तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया, मेरी बेटी पे। अब देखो मैं तेरा क्या आशा करता हूँ, तेरे इस जिस्म से तेरी खाल खींचूंगा, मैं खाल खींचूंगा। छोड़ूंगा नहीं उस अमल और उसके बाप को। मुझे मेरे ही घर वालों के सामने सभी लोग रुसवा कर दिया। ये औरत इस काबिल थी ही नहीं। सारा पैसा भी हत्या गया। वो तो खैर मैं निकलवा लूंगा, इतनी आसानी से मेरा पैसा तो हजम नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन अमल किसी अफेयर की बात कर रही थी, कहीं उस रोज में सारा से बात कर रहा था तो उस नसीर ने देख लिया था। वो ये तो नहीं समझा कि मैं सारा से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे यार, जरूर यही बात है, अमल को उसके बाप ने भड़काया। वो तो चाहता ही नहीं था कि हम एक हों। अमल। Yes, Daddy. क्लब जा रही हो? जी। अगर आज तुम क्लब ना जाती तो अच्छा था। क्यों डैडी, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ है हमजा के साथ, जिसके आसार मेरी बेटी के चेहरे पे अभी तक मौजूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बताएं कि क्या वो लॉकअप में है? अनफॉर्चुनेटली उसके घर वाले जो हैं जमानत पे ले गए हैं उसे। मुझे पता था कि आपसे नहीं हो पाएगा। अरे डोंट वरी, इतनी आसानी से मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बार बार उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, बार बार उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फकीर नहीं उसके घर वाले। मुझे वो लॉकअप में चाहिए, मतलब चाहिए। टोटली जैसा मेरी अमल चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि तुम हमजा से अपनी जान छुड़वा लो। वो लड़का कभी भी तुम्हारे काबिल नहीं था। मुझे
एक बार फिर गलती हो गई ना डैड। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ नहीं करूंगा। मैं कितना उठेंट लिया आज के मुझसे आके मिले। आप उसका इंटरव्यू लेंगे? यस, मैं ही उसका इंटरव्यू लूंगा क्योंकि मेरी अकलौती बेटी का मामला है और फैसला मुझे ही करना है। फैसला आप नहीं, मैं करूंगी और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने फैसले खुद करती हूं।